मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज छठ उत्सव की शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं लक्ष्मण मेला घाट पर कार्यक्रम में करेंगे और अखिल भारतीय भोजपुरी समाज की तरफ से ये आयोजन हो रहा है और छठ पर्व पर, पर अवधि और साथ ही अन्य गायक भी इसमें शिरकत करेंगे और साथ ही गीत गाएंगे आज शाम लक्ष्मण मेला घाट पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जाएंगे जहाँ पर मेला घाट पर कार्यक्रम होगा जिसमें शिरकत करेंगे सीएम और अखिल भारतीय भोजपुरी समाज की तरफ से इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है जिसमें तमाम अवधि और अन्य गायक भी छठ गीत गाएंगे तो आज छठ पूजा होनी और ये तस्वीरें भी आपको घाट के दिखा रहे हैं जहां बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं और सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है पूजा अर्चना की जा रही है और आज छठ पूजा होनी है और ये घाट की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और ज़्यादा जानकारी के साथ में संवाददाता अवनीश लाइव जुड़ गए हैं अवनीश आज छठ पूजा होनी है और बड़ी संख्या में लोगों का इसमें आस्था होती है काफ़ी धूमधाम से उत्तर प्रदेश और बिहार में ये मनाया जाता है आज मुख्यमंत्री भी कार्यक्रम में शिरकत करने वाले हैं क्या कुछ खास रहेगा और कितनी धूम छठ पर्व की जी बिल्कुल देखिए छत्तीस घंटे का जो निर्जल व्रत है वो फिलहाल आज से शुरू हो चुका है खरना के बाद निर्जल व्रत शुरू किया जाता है और आज शाम को अस्ताचल सूर्य को महिलाएं अर्घ देंगी या इस अर्घ में मुख्यमंत्री मुख, 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 योगी आदित्यनाथ भी शामिल होंगे तो लक्ष्मण मेला मैदान की सबसे पहले आपको तस्वीर दिखाते हैं ये घाट है छठ घाट जहाँ पे तमाम जो महिलाएं हैं वो शाम को आती हैं लेकिन उससे पहले जो सुशोभिता है उसको तैयार किया जा चुका है जो बेदियां हैं उनको तैयार किया जा चुका है और जिनका अभी नहीं है वो फिलहाल इस तैयारी में लगे हुए हैं और जो सुशोभिता है इसको छठ माता का प्रतीक माना जाता है और यहाँ पे समृद्धि की कामना की जाती है और इसी के साथ जो है पूरी तैयारी होती है तो इस तैयारी के साथ ही आज शाम अस्ताचल सूर्य को अर्घ दिया जाएगा और इस कार्यक्रम में लक्ष्मण मेला मैदान में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शिरकत करेंगे और यहाँ पे उत्तर प्रदेश सरकार के तमाम मंत्री भी होंगे और भोजपुरी समाज की ओर से यह कार्यक्रम करवाया जाता है हर साल और इस साल भी भोजपुरी समाज की ओर से करवाया जा रहा है तो तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं और तमाम लोगों के आने का जो सिलसिला है वो शाम को शुरू हो जाएगा लेकिन उससे पहले जो माना जाता है कि लोक आस्था का ये पर्व है तो इस पर्व का अपना विशेष महत्व है और खासतौर से बिहार और उत्तर प्रदेश में इसका खासा असर देखने को मिलता है और लखनऊ में भी इसका चलन बहुत तेजी से बढ़ता हुआ जा रहा है तो लगातार जो देखने को मिल रहा है उसमें साफ है कि तमाम जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो यहाँ पे पहुंच चुके हैं वो तैयारियों को अंतिम रूप दे रहे हैं जगह जगह सैनिटाइजर हो रहा है छिड़काव हो रहा है उसके बाद साफ सफाई की पूरी व्यवस्था की गई है और जितनी भी वेदियां हैं वो बनकर तैयार है और तमाम जो श्रद्धालु हैं, वो यहाँ पे आ रहे हैं अपने को रंग रहे हैं, जो सुसुभिताएं बनाई हैं, उनको रंग रहे हैं और इसी को लेकर जो तैयारियां तो सुख और समृद्धि की कामना करेंगी और साथ ही इस समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद होंगे और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ तमाम जो मंत्री होंगे वो मौजूद होंगे और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी सूर्य को नमस्कार करेंगे और इससे पहले भी वो पूरे को छठ की पावन पर्व शुभकामनाएं दे चुके हैं और उन्होंने बताया की जल्दबाजी लेकिन जिस तरह से हम देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में महिलाओं पर भी अब सियासत जारी है मुख्यमंत्री यहां पर पहुंचेंगे बड़ी संख्या में महिलाएं भी यहां पर पहुंचेंगी आज पूजा अर्चना होगी आज का दिन काफी ज्यादा खास माना जा रहा है तो क्या यह भी माना जाए कि महिलाओं को लेकर कोई बड़ा ऐलान भी आज सीएम कर सकते हैं देखिए छठ पर्व पे हर साल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आते हैं और इस समारोह में हिस्सा लेते हैं समारोह का शुभारंभ करते हैं हालांकि ऐसी कोई अभी योजना नहीं है कि उसमें महिलाओं आ, को किसी प्रकार की सौगात दी जाए हालांकि उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जो महिलाएं निर्जला व्रत में हैं वह उनका आस्था काफी मायने रखता है ऐसे में उत्तर प्रदेश सरकार ने भी अपनी तरफ से उनको किसी असुविधा का सामना न करना पड़े उसकी तैयारी कर ली है और उसी के तहत नगर निगम हो या पुलिस के तमाम प्रशासनिक अधिकारी हो उनको निर्देश दिया गया है कि पूरी तरह व्यवस्था को बेहतर बनाकर रखना है और जो भी माताएं आएंगी महिलाएं आएंगी उनको किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होने देना है और साफ तौर पर अवस्थी समेत करीब 150 ऐसे कलाकार हैं जो अपनी छठ गीत का प्रस्तुति देंगे तो एक बेहतर और मनोरम दृश्य होगा जब शाम को यहाँ पे कार्यक्रम की शुरुआत होगी यहाँ पे हजारों की तादाद में लोग आते हैं और यहाँ पे छठ माता की पूजा करते हैं और अस्ताचल सूर्य को अर्घ्य देते हैं और कल सुबह भोर में भी जो उदयमान सूर्य होगा उसको अर्घ दिया जाएगा और इसी के साथ छठ पर्व का अपन किया जाएगा और इससे पहले जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज शाम को यहां पे आएंगे तो अपने संदेश में कुछ ना कुछ छठ पर्व पे जरूर वो कहेंगे जी तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया अवनीश तो आपका दिखा रहे थे यही वो स्थान है जहां पर आज शाम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शिरकत करेंगे और तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं साथ ही पुलिस प्रशासन की तरफ से भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और पूजा की यहां से शुरुआत आज जो सीएम करेंगे और साथ ही सूर्य को अर्घ भी देंगे तो ये लक्ष्मण मेला घाट की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर आज कार्यक्रम का आयोजन होगा और अखिल भारतीय भोजपुरी समाज की तरफ से भी कई सारे आयोजन आज होने जा रहे हैं और साथ ही आपको बता दें कि भोजपुरी के सुपरस्टार्स भी यहाँ पर शिरकत करेंगे मालिनी अवस्थी जो कि यूपी और बिहार की काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध गायिका हैं वो भी पहुँचेंगी और तमाम जो छठ के गीत गाकर सभा बांधेंगी और साथ ही कई सारे भोजपुरी समाज की तरफ से भी आयोजन हो रहे हैं तो कलाकार भी यहाँ पर शिरकत करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी यहाँ पर पहुँचेंगे तो आज का दिन बेहद ख़ास है क्योंकि 36 घंटे तक ये व्रत चलता है तीन दिन, दिन का व्रत होता है और आज के दिन का विशेष महत्व होता है खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन नेवर मिस एनी अपडेट डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और एप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें